हेलो फ्रेंड्स, नेशनल बेसिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रसन्नजीत और आज बात करेंगे आसुस के एक बेहतरीन राउटर RTX 822U। ये डुअल बैंड वाईफाई 6 राउटर है। इसके पहले जो भी राउटर था सब आपका नॉर्मल लुक्स में आता था, एक स्क्वायर टाइप का है, लेकिन ये जो राउटर है एक स्पेसशिप की तरह डिजाइन है, एक न्यूली लुक्स है। चलिए इस वीडियो में 822 राउटर के पूरा फीचर्स हम लोग देखेंगे। अभी का जो जनरेशन है ये हाई स्पीड इंटरनेट का जनरेशन है। अभी तो आपका जो स्पीड है इसका कोई लिमिट नहीं है, 50 Mbps, 60 Mbps, 100 Mbps, और घर में आप देखिएगा इसका इंटरनेट स्पीड का कोई लिमिट नहीं है। लेकिन फिर भी जो गेम खेलते हैं या फिर घर में आप 4K कोई मूवी देख रहे हैं, आपके यूट्यूब में कुछ देख रहे हैं, आप कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इंटरनेट लैग हो रहा है। आपका इंटरनेट इतना अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है फिर भी आपको स्पीड उतना अच्छा नहीं मिल रहा है, या फिर अगर घर में आपका कोई 3, 4, 5, 6 डिवाइस एक साथ चल रहे तो आपको कहीं ना कहीं लैग महसूस हो रहा है। तो इसका जो मेन रीज़न है, मेन प्रॉब्लम, वो है राउटर। आपका एक अच्छा राउटर होना बहुत ज़रूरी है। तो आसुस के जो राउटर है ये RTX 822U, इसमें बहुत सारे फीचर्स है जो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। पहला जो फीचर्स है ये आपका डुअल बैंड है। इसमें आपको 2.4 GHz और 5 GHz दोनों बैंड आपको एक साथ मिलेगा और ये वाईफाई 6 कंपेटेबल है। नेक्स्ट है इसका जो टोटल बैंडविड्थ है ये 5400 Mbps इसका बैंडविड्थ है। तो आपके घर में जितने सारे डिवाइस है तो सारे डिवाइस को एक साथ आप कनेक्ट कीजिए तो आपको कहीं भी डिवाइस में आपको लैग महसूस नहीं होगा। नेक्स्ट जो चीज़ है, अभी मोबाइल पे गेम खेलना तो एक आम बात हो गया क्योंकि सब लोग मोबाइल पे गेम खेलते हैं। तो गेमिंग के लिए इस राउटर में एक मोबाइल गेम मोड है। इसमें क्या होगा, जो भी आपका मोबाइल इस राउटर से कनेक्टेड है अगर वो गेम खेल रहे तो गेम का नेटवर्क डिटेक्ट हो जाएगा आपके राउटर में और वो मोबाइल के लिए डेडिकेटेडली चैनल उसमें एलोकेट हो जाएगा। तो जो मोबाइल पे गेम खेल रहे उसको कहीं ना कहीं लैग बिल्कुल भी मालूम नहीं होगा। नेक्स्ट चीज़ है, इस राउटर में जो डेस्कटॉप के लिए गेम खेलते हैं उसके लिए भी सोचा है। इसमें जो लैन पोर्ट है 4 GB लैन पोर्ट है। इस 4 GB लैन पोर्ट के अंदर एक आपका पोर्ट है जो डेडिकेटेडली गेम पोर्ट है। अगर उस पोर्ट में से आप किसी भी डेस्कटॉप को कनेक्ट करके उसमें गेम खेलेंगे तो उस डेस्कटॉप के लिए भी अलग से एक चैनल बैंडविड्थ आपको राउटर से एलोकेट हो जाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं कुछ भी प्रॉब्लम मालूम नहीं होगा। नेक्स्ट जो इसका जो फीचर्स है देखिए, ये ट्रेंड माइक्रो AI प्रोटेक्शन, ये आसूस का अभी नियर अबाउट सभी राउटर में आ गया है और ये आसूस में आपको ओनली मिलेगा। इसमें क्या फीचर्स है, ये है कि आपका इंटरनल एंटीवायरस होगा आपका राउटर्स के अंदर। आपका जितने सारे आपका डेटा आएगा राउटर के थ्रू, जितने सारे आप वेबसाइट विजिट करेंगे राउटर्स के थ्रू, सारे वेबसाइट आपको सिक्योर्ड होगा, सारे डेटा आपको सिक्योर्ड रहेगा। तो आपको कहीं ना कहीं आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपका वायरस आ जाएगा, तो सारे इसमें प्रोटेक्टेड हो जाएगा। और फायरवॉल तो अभी सब राउटर में होता है, तो इस फायरवॉल पर आप क्या कर सकते हैं, आपको ब्लॉक कर सकते हैं किसी भी साइट को, या फिर आपका घर में कोई चाइल्ड जिसको यूज़ करे या फिर कोई आपका जो छोटा बच्चा है आपको यूज़ करे उसको साइट ब्लॉक करना है, उसको मोबाइल डिवाइस या फिर उसको डेस्कटॉप को आपको टाइम टू टाइम इसको बंद करना है, तो सारे टाइम शेड्यूलिंग भी इस राउटर में कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये आपका AI मेस एनाबल्ड है। तो AI मेस का जो फीचर्स है ये इस राउटर में एप्लीकेबल कर सकते हैं। उसमें आपको क्या एडवांटेज होगा, अगर आपका घर का एरिया बहुत बड़ा है जबकि एक राउटर में कवरेज नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, 2-3 राउटर को एक साथ AI मेस में कनेक्ट कर सकते हैं। और इस जो AI मेस नेटवर्क है सभी एक ही नेटवर्क की तरह आपको मोबाइल में देखेगा, तीनों राउटर के लिए तीनों अलग अलग सिग्नल नहीं दिखेगा, एक ही सिग्नल दिखेगा। तो वो फीचर्स भी इस राउटर में अवेलेबल है। तो चलिए इस राउटर को अभी हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे। इसका कितने सारे पोर्ट्स है, इसमें क्या USB पोर्ट है, कितना वोल्टेज का इसके अडोप्टर है, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग इस अनबॉक्सिंग के टाइम में आपको दिखाएंगे। आसूस RTX 822U काफ़ी बड़ा साइज का बॉक्स है। चलिए अभी इसको अनपैक करते हैं। इसका किस टाइप का एंटेना है, क्या क्या एक्सेसरीज है, सब कुछ एक बार चेक कर लेते हैं। व्हाइट कलर का बॉक्स है, नाइस। वाओ, ये ऐप सेटअप इंस्ट्रक्शन है, ये मेरा सारी वीडियो में सारे अवेलेबल है। ये आपके एडवांस हेल्पर है, ये आसूस राउटर नॉर्मली जो आता है 19 वोल्ट का अडेप्टर है, सेम 19 वोल्ट अडेप्टर है। इसके साथ साथ जो हर तरह के कंट्री के लिए अलग अलग जो पोर्ट्स है, अरे पोर्ट्स है। और ये आसूस का एक खास चीज़ है, ये अच्छा क्वालिटी का लैन केबल है। जितना सारे लैन केबल नॉर्मली राउटर में आता है आसूस का सबसे स्पेशल होता है, कितना सॉफ्ट है ये। और ये है मेन राउटर,
ये VIP मेंबर नोटिस सीरियल नंबर के साथ, जिसमें आपको वारंटी मिलेगा, और ये आपका सेटअप गाइड है, ये मल्टी लैंग्वेज में है। चलिए अभी मेन राउटर को देखते हैं। वाओ क्या लुक्स है। फ़ॉन्ट में देखिए कितना बेहतरीन लुक्स है इसका, देखिए वाओ। यहाँ पे वेंट्स है, आपका जो हॉट एयर है यहाँ से आ जाएगा आसानी से। LED देखिए नॉर्मली आपका फ्रंट में होता है, टॉप में होता है, ये देखिए साइड में है। तो डिज़ाइन के लिए आसूस खास सोचा है इस राउटर के लिए। इस साइड में आपके यहाँ पे आसूस मेंशन है, चलिए पहले बैक साइड में देख लेते क्या क्या पोर्ट्स है। फर्स्ट जो ये पोर्ट है ये DC इनपुट पोर्ट है, उसके बाद नॉर्मली आपका ऑन ऑफ स्विच है, बटन नहीं है, स्विच है। इसके बाद जो पोर्ट है ये आपका USB 3.0 पोर्ट है। ये USB 3.0 पोर्ट से आप कुछ भी काम कर सकते हैं, जैसे आपका फाइल शेयरिंग हो गया, प्रिंट सर्वर हो गया, आपका कोई हार्ड डिस्क लगा के उसका क्लाउड में देख सकते हैं। तो हर तरह का काम इस USB जो 3.0 पोर्ट है यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पोर्ट है ये आपका 4x4 GB LAN पोर्ट है, और यहाँ पर देखिए स्टील केज हुआ है, तो इसका जो ड्यूरेबिलिटी है काफ़ी हाई ड्यूरेबल है ये। और जो लास्ट वाला जो पोर्ट है यहाँ पर देखिए LAN 1, ये आपका डेडिकेटेडली गेमिंग पोर्ट है। तो ये रिकमेंडेशन यही है कि आप जब गेम खेलेंगे कोई डेस्कटॉप से तो ये वाला लैन पोर्ट आप यूज़ कीजिए। नेक्स्ट जो ये पोर्ट है ये आपका WAN पोर्ट है, ये गीगाबिट WAN पोर्ट है, ये भी देखिए आपका स्टील केज हुआ है, तो इसका भी हाई ड्यूरेबिलिटी है। नेक्स्ट ये आपका WPS बटन, एक नॉर्मल छोटा सा बटन है, और अगर आपको राउटर को रिसेट करना है तो ये वाला आपका जो अंदर में देखिए छोटा सा एक रिसेट स्विच है, यहाँ से आप रिसेट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे टॉप में आपके LEDs है। पहला वाला जो LED है ये आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी का LED है। नेक्स्ट ये आपका 5 GHz, अगर कोई वाईफाई में कनेक्टेड डिवाइस है तो उसके लिए आपका ये LED है। नेक्स्ट 2.4 GHz का है, और ये आपका पावर ऑन ऑफ के लिए है। फ्रंट में आपका कुछ नहीं है, ये जो पोर्शन है ये जब हम लोग इस राउटर को ऑन करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे एक आपका RGB लाइटिंग है, और ये लुक्स भी इस लाइट की वजह से लुक्स भी आपका पूरा चेंज हो जाएगा। आपको कोई लगा कोई स्पेस शिप है, आप देखिए ऐसे ही आपको लग रहा है कोई स्पेस शिप है, और यहाँ पे जब लाइट ग्लो होगा उस टाइम आपको और भी अच्छा लगेगा। और ये राइट साइड में कुछ भी नहीं है, बैक साइड में इसका सीरियल नंबर वगैरह मेंशन है, लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे नोटिस करना है, ये जो राउटर है ये आपका वॉल माउंट नहीं है, यहाँ पे आपको कोई भी वॉल माउंट के लिए कोई परमिशन नहीं है। तो ये जो राउटर है ये आपको नॉर्मली टेबल टॉप में यूज़ करना है। तो चलिए अभी इस राउटर को हम लोग ऑन करेंगे, ऑन करके आपको दिखाएंगे यहाँ पे LED कैसे ग्लो होता है, और इस राउटर जो है नॉर्मली सभी जो ASUS राउटर है इसको कैसे कॉन्फ़िगर करना होता है, उसके लिए हमारा जो पुराना वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन लिंक इस डिस्क्रिप्शन में हम लोग दे देंगे। तो उस वीडियो से आपको पता चल जाएगा इस राउटर को कैसे कॉन्फ़िगर करना है। अब तो या तो मोबाइल ऐप के थ्रू कर सकते हैं या फिर ब्राउज़र के थ्रू कर सकते हैं। हर तरह के वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक रह जाएगा। RTX 82U, चलिए अभी इसको पावर अप करते हैं। ये पावर ऑन कर दिया। फ्रंट में देखिए आपका लाइट ग्लो हो गया, और लेफ्ट साइड में देखिए आपका पावर ऑन का जो LED होता है LED ग्लो हो गया। तो ये आपका जो वाईफाई जब इसका बूट स्टार्ट हो जाएगा तब ये सारे LED आपका ऑफ हो जाएगा। फ्रंट में देखिए आपका फुल बूट हो गया, चारों LED ऑन हो गया, और फ्रंट में आपका एक LED है। यहाँ पे आपका छोटा सा बटन है, ये बटन से आपको LED को कलर सिंक्रोनाइजेशन को चेंज कर सकते हैं, और LED को ऑफ भी कर सकते हैं। अब देखिए आपका कलर सिंक्रोनाइजेशन चेंज होगा, आपका ऑफ होगा। तो ये स्विच के जरिए आप ये पूरा काम कर सकते हैं। इसका जो टोटल लुक्स है ये देखिए आपका स्पेसशिप की तरह एक लुक्स है, कितना अच्छा आपका लाइट की वजह से कितना अच्छा इसका लुक्स मिल गया है। और इसका आपको वॉल माउंट नहीं है, तो आपको ये राउटर ऑलवेज आपको टेबल टॉप में यूज़ करना है। तो ये राउटर आपका गेमिंग के लिए और आपका घर के में हर तरह के काम के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको आप 4K स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं, 4K मूवी भी देख सकते हैं। तो ये राउटर आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस होने वाला है। उम्मीद है ASUS RTX 82U का जो वीडियो है ये आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। नया वीडियोस और अपडेट्स के लिए नेशनल पीसी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट जरूर लिखिए।